लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर भारी मतों से जीत हासिल करने वाले राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर है। जीत के बाद राहुल गांधी को वायनाड या रायबरेली में से किसी एक सीट को चुनना है। कांग्रेसियों के साथ राजनीतिक पंडितों की भी इस बात पर गहरी दिलचस्पी है कि 5 साल तक संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए राहुल गांधी किसे चुनते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है कि बताया जा रहा है कि वो केरल की वायनाड सीट छोड़ सकते हैं और रायबरेली सीट के प्रतिनिधि के तौर पर संसद में शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में इस विषय को लेकर चर्चा हुई। हालांकि औपचारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 3 से 4 दिन में ये फैसला करेंगे कि वो आगामी 18वीं लोकसभा में दोनों सीटों में से किस सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक व्यक्ति अधिकतम 2 लोकसभा चुनाव से इलेक्शन लड़ सकता है। हालांकि उम्मीदवार केवल एक सीट ही बरकरार रख सकता है और उसे नतीजों के 14 दिन के अंदर दूसरी सीट से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में राहुल गांधी को 17 जून से पहले फैसला लेना होगा, क्योंकि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना है। दरअसल इंडी गठबंधन को मिले अपार जनसमर्थन के बाद कांग्रेस की यूपी इकाई चाहती है कि रायबरेली सीट न छोड़ी जाए। शनिवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात पर नेताओं में मतभेद देखने को मिला कि राहुल गांधी को रायबरेली या वायनाड सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। सूत्रों के अनुसार केरल से कोडिकुन्निल सुरेश जैसे सांसदों ने राहुल गांधी के वायनाड सीट पर बने रहने का समर्थन किया, जबकि रायबरेली सीट के लिए आवाजें अधिक मुखर रही। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने तर्क दिया कि रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और राहुल गांधी को इसे अपने पास रखना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि नेताओं ने ये भी कहा कि राहुल गांधी का रायबरेली सीट पर कब्जा बरकरार रखना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक उद्धार के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल का रायबरेली में रहना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि राहुल ने लोकसभा चुनाव यूपी की रायबरेली सीट और केरल की वायनाड सीट से लड़ा था। राहुल ने वायनाड सीट 3,64,442 मतों से जीती थी, जबकि रायबरेली सीट पर 3,90,030 वोट से जीत हासिल की, जो सूबे में सबसे बड़ी जीत के अंतर में दूसरे नंबर पर है। नतीजों के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि राहुल किस सीट को अपने पास रखेंगे और किसे छोड़ेंगे। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।